आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि चैनल मोनेटाइज होने का वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। देखिए, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपका जो इंटरफेरेंस है कुछ थोड़ा बदल जाता है वीडियोस को अपलोड करने का। तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं और क्या होता है मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, और कैसे अपलोड करते हैं उसमें वीडियो। तो सबसे पहले अपना यूट्यूब का स्टूडियो खोल लेंगे, यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे, अपलोड वीडियोज़ पर दबाएंगे, ठीक है, और सेलेक्ट फाइल करेंगे। सेलेक्ट फाइल्स के बाद जो भी आपकी फाइल्स होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ तक तो सब सेम था। अब जब मोनेटाइज हो जाता है चैनल तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसमें कुछ टैब्स बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक मोनेटाइजेशन का टैब मिल रहा है। इसके अलावा आपको मोनेटाइजेशन के टैब के बाद एक एड सूटेबिलिटी का टैब मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये चेंजेस आते हैं। आप कैसे अपलोड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैं अपना टाइटल लिख लेता हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर, जैसे मैंने अपने टाइटल लिख लिया, ठीक है। अपना डिस्क्रिप्शन डाल लेंगे जो भी होगी, मैं फिलहाल छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाला आपको दिखाने के लिए, नहीं तो ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा, ठीक है। अपना थंबनेल डाल लेंगे, अपनी प्लेलिस्ट अगर कोई होगी तो चुन लेंगे, जैसे मैंने चुन ली यहाँ प्लेलिस्ट, ठीक है। इसके बाद ये ऑडियंस है, यहाँ दबाएंगे नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड, अगर किड्स के लिए नहीं बनी है। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, अगर आपकी वीडियो किड्स के मतलब की नहीं है, उनके लिए नहीं बनी है, तो यही दबाएंगे। अगर येस दबा देंगे ना कि हाँ ये किड्स के लिए बनी है, तो इसमें कोई ऐड वगैरह कुछ नहीं चलेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड पे हमेशा क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर कोई पेड प्रमोशन है इस वीडियो में, आपको स्पॉन्सरशिप मिली, तो राइट दबाएंगे, जैसे खाली छोड़ देंगे, जैसे मैंने छोड़ा है। इसको ऐसे टिक लगे रहने देंगे, इसको भी टिक लगे रहने देंगे। यहाँ टैग्स ऐड करेंगे अपने, जो भी टैग्स आप ऐड करना चाहेंगे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे आएंगे, लैंग्वेज वगैरह चुनेंगे अपने वीडियो की, चुनना चाहें तो अलो एम्बेडिंग आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहें तो ठीक, नहीं रखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, मैं दोनों को ऐसे टिक लगा रखूँगा। अलो पीपल टू सैम्पल दिस कंटेंट मैं ये हटा देता हूँ। अपनी कैटेगरी चुनेंगे जो भी होगी यूट्यूब के वीडियो की, कमेंट्स सुनेंगे सारे अलाउ करने, होल्ड करने, रिव्यू के लिए डिसेबल करने हैं। वीडियो जो आपने बनाया कहाँ पे आना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए कि न्यूएस्ट पे आना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए। और इसमें आपने ये शो करना चाहते हैं कि व्यूअर्स ने आपके वीडियोस पे कितने लाइक आए हैं, तो हम ये शो करना चाहते हैं कितने लाइक आए वीडियोज़ पर, तो उस पर टिक लगा देगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी नया टैब आपको देख रहे हैं मोनेटाइजेशन का, तो जब मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आता है नया टैब, यहाँ पर क्लिक करेंगे मोनेटाइज पर। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है आपको मोनेटाइजेशन ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। तो ऐसे में आपको मोनेटाइजेशन ऑन रखना है वीडियो में, तो हम दबाएंगे ऑन, ठीक है, डन दबा देंगे। इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाता है। इस पर पूछते हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ एड आप्स में चलाना चाहते हैं वीडियो में। डिस्प्ले एड्स तो चलेंगे चलेंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा ओवरले एड्स, स्पॉन्सर कार्ड, स्केपेबल वीडियोज़ और नॉन स्केपेबल वीडियो। अब जो भी एड्स चलाना चाहें ये तो चलेगा ही, इसके अलावा आप चुन सकते हैं, ठीक है। मैं सारे ऐड से चलाता हूँ अपने वीडियो में, तो सारे पे टिक रखूँगा मैं। और इसमें बिफोर आफ्टर तो चलता ही है, बीच में अगर कोई आपको चलाना हो। अच्छा, बीच में आप वीडियो के बीच में एड्स तभी डाल सकते हैं जब आपका वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा का हो। अगर 8 मिनट से कम का हो तो अब ये बीच में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, डालने का। इसमें मैनेज मिडरोल्स है, जहाँ पे आप मैनेज दबा के अपने एड्स को प्लेस कर सकते हैं बीच में वीडियोस की, किस किस टाइमिंग पे आने चाहिए, जिस पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा आने वाले समय पे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मोनेटाइजेशन जब आप ऑन कर देते हैं यहाँ पे और ये सारे एड्स चुन लेते हैं, तो उसके बाद एक अगला टैब आता है एड सूटेबिलिटी का, ठीक है। ये टैब भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, नीचे नीचे आना होता है। अब आप में एड सूटेबिलिटी में क्या है, जब आपको चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपसे पूछते हैं कि ये आपका वीडियो है एड्स के लिए, किस तरीके के एड्स के लिए सूटेबल है कि नहीं है, या फिर लिमिटेड एड्स के लिए सूटेबल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्शन चुनना होता है कि आपकी वीडियो में इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज है तो इनमें से कुछ चुनेंगे, या आपकी वीडियो में वॉयलेंस दर्शाया गया है तो इनमें से चुनेंगे, या आपकी वीडियो में कोई हार्मफुल कंटेंट ड्रग्स से रिलेटेड है या फायर आर्म्स रिलेटेड है तो इनमें से कुछ चुनना, आपको चुनना पड़ेगा। मतलब आप इसमें चीटिंग नहीं कर सकते, आपकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है इस तरीके की तो आपको इसमें से बड़े केयरफुली चुनना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया अलग से एड्स सूटेबिलिटी का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अब वहाँ से आके देख सकते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके वीडियो में कोई इशू नहीं है, आपने नहीं चुनना है, मान लीजिए आपकी वीडियो कॉन्ट्रोवर्शियल भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपके वीडियो में कोई इशू है तो आप चुनेंगे और फिर सबमिट डेट दबा देंगे, इनमें से कोई ऐसा इशू नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, सीधा ये दबाएंगे नन ऑफ दी अबो,
मतलब जो हमारा वीडियो है इसमें कोई भी जो है ऐड मतलब ये इशू नहीं है जो ऊपर डिस्क्राइब करे गए हैं। जब नन ऑफ दबो दबा देंगे, इनमें से कुछ भी चुनेंगे, इसके बाद आपको दबाना है सबमिट रेटिंग्स, ठीक है। तब सबमिट रेटिंग से बाद देंगे, तो ये दो एक्स्ट्रा जो टैब थे जो आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको मिलते हैं अपलोड करने के लिए, दोनों टैब्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे एक्स्ट्रा वाले। तब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपना जो अपना एंड स्क्रीन आप डालते हैं वो डालेंगे, यह डालना है कार्ड्स डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चेक्स हैं, ये दोनों चेक्स जब वो हो जाएंगे अप्रूव, ये कॉपीराइट का चेक भी एड सूटेबिलिटी का चेक भी अप्रूव हो जाएगा, तभी उसके बाद आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। जब तक ये दोनों चेक्स कंप्लीट नहीं होंगे जो ग्रेड आउट हो रहे हैं, तब तक आप वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ और दिखाता हूँ कैसे अप्रूव होते हैं दोनों। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने वीडियो को रिज्यूम कर दिया, और मैं इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये टैग्स वगैरह सब प्रॉपरली डाल लिए, ठीक है। मोनेटाइजेशन का मैंने आपको समझा दिया था, एड सूटेबिलिटी हमने सबमिट कर दी थी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था चेक्स दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो थोड़ा वेट करेंगे जब हम, तो ये चेक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कॉपीराइट वाला चेक भी कंप्लीट हो गया और एड सूटेबिलिटी वाला चेक भी कंप्लीट हो गया। अभी दोनों चेक जब कंप्लीट हो गए तो हम अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें अब क्या है, हम विजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं, तो अब हमारे पास ऑप्शन होता है या तो इस वीडियो को प्राइवेट करें या अनलिस्ट करें। आपको अगर इस वीडियो को पब्लिश करना है सीधा, तो आप पब्लिक पे दबाएंगे और यहाँ पब्लिश कर देंगे, बस इतना ही। फिर आपका वीडियो जो है आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अभी इस वीडियो को इमिडिएटली सबमिट नहीं करना है, तो मैं इसको शेड्यूल करना चाहता हूँ। मतलब ये 18 फरवरी है और मैं इसको 20 फरवरी को चाहता हूँ ये वीडियो लॉन्च हो जाए। तो पब्लिक तो मैं रखूँगा ही, इसके साथ एक और चीज़ जोड़ दूँगा, शेड्यूल और दबा दूँगा, ठीक है। फिर इसमें तारीख चुनूँगा जब मुझे ये वीडियो पब्लिश करना है, जैसे मैंने आपको बताया मुझे 21 को कर देता हूँ, ठीक है। और टाइमिंग्स चुन लेता हूँ जो भी होगी टाइमिंग्स वीडियो को पब्लिश करने की, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने शेड्यूल और जोड़ दिया बस। अगर आपको हाल के बिल्कुल उसी वक्त भी वीडियो इमीजिएटली सबमिट करना है, तो आप इसमें क्या होगा, ये शेड्यूल नहीं चुनेंगे, बस सीधे डायरेक्ट पब्लिश दबा देंगे। अब मैंने शेड्यूल दबा दिया है, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, तो मेरा वीडियो शेड्यूल हो गया है। और मैं शेड्यूल के हिसाब से 21 फरवरी को 15:30 पर ये जो वीडियो है ऑटोमेटिकली मतलब पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ही फ़र्क था, जो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसमें दो टैग्स जो जुड़ जाती हैं मोनेटाइजेशन की, एड्स से सूटेबिलिटी की। अगर एड्स सूटेबिलिटी अभी भी समझ में नहीं आया, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की, आप प्लेलिस्ट के सेशन में जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।